Thank you so much. आभार आपका शर्मा जी. जॉर्ज मैथ्यू साहब की मैं तारीफ करूंगा. बड़ी अच्छी पत्रिका निकाली. मैथ्यू साहब, हम आपके आभारी हैं. लेकिन बहुत दुबली पतली निकाली. जॉर्ज तो प्रशांत महासागर जैसा था. ये तो एक झरना है. मोटी किताब निकालिएगा अगली बार. मोटी किताब भी लिखी है उन्होंने. अरुण भाई, आपके आभारी हमें. आपके फाउंडेशन हमारे साथी को लोग भूल रहे हैं. जॉर्ज फर्नांडिस को आपने याद किया, हम आपके आभारी हैं. मैं अपनी बात एक रिपोर्टर के नाते बहुत मुख्तसर में संक्षेप में कहूँगा. कुछ संस्मरण जो निजी हैं. ये बात है अक्टूबर 1976 की. बड़ौदा में था. हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी. हरिओम शरण का कार्यक्रम था. भजन में सुन रहा था. मेरी पत्नी डॉक्टर सुधा राव रेलवे में डॉक्टर थी. रेलवे हड़ताल भी ये भी थी, हालांकि गजेटेड ऑफिसर थी. इसने कहा कि एक सरदार जी मिलने आए हैं. मैं छोड़ के आया कि सरदार जी, तब टाइम्स ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्ड बड़ौदा में होता था. हम कह रहे हैं ये तो जॉर्ज है. तो कैसे पहचाना? हम कहे तुम्हारे गाल की हड्डी जब तुम मुस्कुराते हो बेटा तो फूल जाती है. मैं तुमको पहचान गया. खैर, तब से हमारा किस्सा शुरू हुआ बड़ौदा डायनामाइट केस का. लेकिन हम हिंसा नहीं चाहते थे. हम बापू के अनुयायी रहे हैं. सिर्फ एक बहरे भारत को जगाने के लिए जो शहीद आजम ने कहा था, वो एक छोटी सी कोशिश हम साथियों की थी. पद्मनाभ शेट्टी बैठे मेरे साथ, बड़ौदा जेल में थे. ये मित्रों, कश्मीर की बात करते हैं. सुनिए जॉर्ज की बात. हिम्मत की बात है. अकेला गया रेलवे मिनिस्टर. उसके पहले हमें कहाँ से पता चला? जस्टिस सरकार या प्रेस काउंसिल चेयरमैन ने मुझको, बीजी वर्गीस जो एडिटर थे हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के, इंडियन एक्सप्रेस के, हम दोनों को भेजा आतंक और मीडिया के बारे में स्टडी करो. गए हम दोनों. वहाँ एक पत्रकार ने बताया कि यही जॉर्ज फर्नांडिस गली में चला गया श्रीनगर के और कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ तुम लोगों से, आतंकियों से. घेर लिया लोगों ने. क्या तुमको किडनैप करके ले जाएंगे सीमा पार और हर शर्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को मानना पड़ेगा. खैर, जॉर्ज बांसुरी बजाते हैं तो लोग फनू करते हैं. आए गए. मुझे बहुत गुस्सा आया. मैंने प्रोटेस्ट किया दिल्ली आकर. अगर मान लो तुमको पकड़ ले आते तो ये सरकार तुमको छुड़ाने के लिए मेहनत करती, कोशिश करती है. तुमको भले ही वो कांधार से लोगों को ले आए, तुमको न छुड़ाते. क्यों ऐसी गलती क्यों है? किसी हिम्मत किसी मंत्री में दिल्ली सरकार के क्या आतंकियों के बीच ही जाए, कुर्ता पजामा पहन के बात करके चला आए? ये जॉर्ज फर्नांडिस थे. और जेल के बारे में तो हम लोग तिहाड़ जेल 17 नंबर वार्ड में थे. पद्मना भी मेरे साथ था वहाँ. वहाँ एक छोटी सी बात थी. मुजफ्फरपुर से अरुण भाई चुनाव लड़ा रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस को. हम लोग सब जेल में थे. 19 मार्च की बात है. हम लोग बाद में छूटे. मुरारजी देसाई छोड़ा है हम लोग जेल से. सवाल ये था कि वहाँ से इलेक्शन ट्रेंड कैसे हमको मिलेगा, मुजफ्फरपुर से रिजल्ट का क्या हो रहा है. तो मैंने दिन में डॉक्टर साहब से कहा था, मैं डॉक्टर साहब आप तो कभी भी आ सकते हैं जेल में, एक कृपा कीजिएगा. रात को 10-11 बजे मुजफ्फरपुर में जो ट्रेंड हो रहा है, हम 27 साथियों को बताना है कि हमारा कॉमरेड कैसे आगे है, पीछे क्या हो रहा है वहाँ. और मैंने कहा मैं पेट दर्द की शिकायत करूँगा, डॉक्टर आना है, आपको बहाना मिल जाएगा, 10-10:30 बताइएगा. डॉक्टर साहब बड़ी कृपा की, तिहाड़ जेल की आके बताया जॉर्ज फर्नांडिस 50,000 वोटों से आगे है मुजफ्फरपुर में. अरुण भाई आपके साथियों की भी मशक्क़त थी वहाँ. और एक बात और आखिर में, जॉर्ज के बारे में गलत वहमियाँ भ्रम. वो लोकनायक के उम्मीदवार थे, किसी जनसंघ या कांग्रेस ओ के उम्मीदवार नहीं थे. वो लोहिया के चेले थे और हम लोहिया के लोग आतिशी कामों पे विश्वास करते हैं. ये हमारी परंपरा रही है. इसीलिए सिर्फ एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा. जो भ्रम फैला रहे हैं जॉर्ज के बारे में, इधर उधर के बारे में, वो सिर्फ
मेरा लेख छपा इसे जरा पढ़ लीजिएगा, तीन लाइनें इसकी। अंडमान के समीप भारतीय नौसेना के शस्त्रों से लदे जहाज को भारतीय नेवी ने पकड़ लिया था। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा इस शस्त्रों से लदे जहाज को जाने दो, और जहाज कहाँ जा रहा था, इन बाम वामपंथी सेकुलर लोगों को बता दूं मैं, आज जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री ने कहा ये रोहिंग्या मुसलमानों की रक्षा के लिए जा रहा है, बर्मा की तानाशाही के खिलाफ जा रहा है, जाने दो जहाज को, मदद करूँगा। है किसी सरकार की हिम्मत कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जहाज को छुड़वा दे अंडमान में? ये डिफेंस मिनिस्टर था। ऐसे साथी को, ऐसे कॉमरेड को मैं लोहिया की अनुयायी हम लोग लाल सलाम करते हैं। आपने सुना, मैं आपका आभारी हूँ।